एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होंगे और मैं भी आप लोग की दुआओं से अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 5:05 बज रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ बच्चे आए हुए थे पढ़ने के लिए, तो मैं उसे ट्यूशन पढ़ा रही थी। मैं कुछ बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ और 4 से 5 तक। तो यहाँ पर बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं और यहाँ पर घड़ी में देखे लगभग 5 बज रही है। तो मैं आज ना बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही स्पेशल रेसिपी, और वो है झींगी मच्छी। झींगी मच्छी, तो यहाँ पे मैंने झींगी मच्छी को अच्छे तरीके से सफाई करके, मैंने यहाँ पे ना अच्छे तरीके से सफाई करके वॉश कर लिया था। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है इसकी सफाई करने में और बहुत टाइम भी लगता है, लगभग 1 घंटा टाइम लग जाता है इसकी सफाई करने में। उसके बाद से हमने यहाँ पे है ना इसमें नमक, हल्दी और मिर्ची, ये सारे हमने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है, सरसों का ऑयल। उसके बाद से मैं यहाँ पे ना सारे जो झींगी मच्छी है उसको मैं फैला फैला के अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो इसी तरीके से मैं सारे मच्छी को अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। ये सब ऑयल में डालने के बाद है ना, ये एकदम थोड़ा रेड कलर का हो जाता है। ये देखिए, इसकी स्वाद बहुत ही बहुत अच्छी होती है। ये मच्छी खाने में बहुत बहुत ही अलग मज़ा आता है खाने में, बहुत इसकी स्वाद अच्छी होती है, बहुत टेस्टी। अच्छी तरीके से बनाइए तो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं ना सारे झींगी मच्छी को मैंने फ्राई कर लेके प्लेट में निकाल लिया था। उसके बाद से हमने यहाँ पे और ऑयल डाला और यहाँ पर मेथी का जो फ़ोरन होता है, मेथी का जो फ़ोरन वो मैंने डाला है। उसके बाद से मसाला जो हमने पीस के रख लिए थे वो मैंने डाल दिया, और यहाँ पे कुछ आलू हमने फ्राई कर लिए क्योंकि आलू भी मैं मिक्स करने वाली हूँ। तो मैंने तवे पे आलू को फ्राई कर लिया था, मसाला भी यहाँ मैं हमारा भुना रहा था। तो मसाले में हमने यही सारे मसाले डाले, अगर कुछ एक्स्ट्रा डाला है तो वो सिर्फ प्याज और तोरी, बाकी जो सारे सब्जी में पड़ते हैं वही मसाला है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। जो सब्ज़ी में पड़ते हैं वही मसाला है, नमक, हल्दी, जीरा, मरीच, लहसुन, बस अदरक नहीं डाले हैं, और इसे प्याज पड़ा है और तोरी, ये सब हमने डाल के। अब मैं यहाँ पे भून ली हूँ मसाले को, और यह हमारा मसाला ही भुना चुका है। हमने इसमें पानी डाल दिया है, और पानी हमने बस थोड़ा सा ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि ये मच्छी को ज़्यादा पानी वाला नहीं बनाएंगे, सूखा ग्रेवी बनाएंगे, तो इसलिए हमने बस थोड़ा सा पानी डाला है। और उसके बाद से जो भी मच्छी हमने रखे थे वो भी मैंने सारे डाल दिए हैं। अब उसको अच्छी तरीके से रख के मैं अच्छी तरीके से इसको पका लूँगी। बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, आप लोग ये मच्छी खाए होंगे तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगती है। तो मुझे तो बहुत पसंद है सारे मच्छी, मुझे ये मच्छी बहुत पसंद है, मैं बहुत ही शौक से खाती हूँ। और यहाँ पे देखिए, ये मच्छी बनके एकदम रेडी है, एकदम रेडी है मच्छी बनके। तो यहाँ पे बस हम लोग रात का खाना बहुत शौक से खाए। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट में बनाया है यहाँ पे परवल की भाजी। परवल की भाजी बनाने के लिए हमने परवल को कट करके अच्छी तरीके से धो के वॉश करके रख लिया था। यहाँ पे हमने डाला है प्याज, और उसके बाद से हमने डाला है सूखी मिर्ची, और अब ये इसको बस थोड़ा थोड़ा लाल करेंगे, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद से मैंने यहाँ पे डाल दिया है सारे परवल को। अब मैं इसे भून भून के अच्छी तरीके से बना लूँगी। तो फिर आज हमने ब्रेकफास्ट में परवल की भाजी और रोटी बनाई है, और तो परवल की भाजी हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से बना ली थी, और अभी हमने रोटी नहीं बनाया है, कुछ देर बाद हम बनाएंगे। तो बस यहाँ पे ना परवल की भाजी में हमने नमक हल्दी डाल दिया है, हमारी रेसिपी आप लोग को कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ सारे मसाले डाल के है ना इसको अच्छी तरीके से मैं ढक देती हूँ।
परवल की भाजी में बिना मसाला का हल्का सूखा टाइप का बनाइए, ये भी बहुत टेस्टी लगती है। ज़्यादा मसाला जिसको पसंद है वो खाते हैं भाजी में, और जिसको नहीं है तो वो नहीं खाते हैं। तो आज मसाले वाला खाने का किसी को मन नहीं था, तो मैंने सिंपल तरीका से ही बनाया है। तो बस यहाँ पे है ना, बन के हमारी परवल का भाजी रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये छोटा सा मेरा ब्लॉग कैसा लगा, आप अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।